एक सैनिक का कर्तव्य पथ हमेशा ही अग्निपथ होता है और ऐसे में कश्मीर में काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में शानदार योगदान देने वाले मेजर नितिन लिटिल गोगोई का सम्मान होता है, लेकिन कुछ लोगों को यह बर्दाश्त नहीं। ऐसे लोग मेजर गोगोई की उस कार्रवाई को मानवाधिकार का उल्लंघन बताकर सवाल खड़े करते हैं जिसमें उन्होंने एक पत्थरबाज को मानव ढाल बनाया और एक बड़े संकट को टाल दिया था। आज ऐसे लोगों को खुद मेजर गोगोई से उस हालात को सुनना और समझना चाहिए जिसमें मजबूर होकर उन्होंने ये ऑन द स्पॉट फैसला किया था। सुबह 9:15 पे मुझे एक कॉल आया ऑफिसर इंचार्ज ITBP का, जो कि गुंडीपुरा और उटलीगाम पोलिंग स्टेशन का इंचार्ज था। तो उन्होंने मुझे ये बताया लगभग तकरीबन 500 के लोग जो कि स्टोन पेल्टर से उनके ऊपर भारी तादाद में पथराव कर रहा था और उनकी जान को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। तो उन्होंने मुझे बताया कि जितना जल्दी हो सके हमें इवैक्यूएट कीजिए यहाँ से। और इस कॉल मिलने के बाद मैंने तुरंत अपना क्विक रिएक्शन टीम बिना वेस्टिंग ऑफ टाइम मैंने यहाँ से मूव किया। और जब मैं मूव कर रहा था गुंडीपुर की तरफ तो इस दौरान मुझे बहुत सारे रोड ब्लॉक्स एनकाउंटर करना पड़ा बीच में। तो वहाँ पे मैंने देखा हालत काफ़ी ख़राब था और तकरीबन 400 से 500 लोग पथराव कर रहे थे, जो कि हमारे ऊपर भी पथराव हो रहा था। तो मैंने किसी तरह हालत को काबू किया। 10:30 के आसपास अगेन सेम ITBP ऑफिसर जो कि उटलीगाम पोलिंग बूथ पे था, उनसे एक मुझे डिस्ट्रेस कॉल मिला और मुझे उन्होंने बताया तकरीबन 1200 लोग जो उनको घेर चुका है और उनके पोलिंग बूथ को जलाने का कोशिश कर रहे हैं पेट्रोल बम फेंक के। तो फिर मैंने बिना कुछ सोचे समझे, बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं आगे की तरफ बढ़ा, जो कि उटलीगाम तकरीबन गुंडीपुरा से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और इसी दौरान मुझे दोबारा रोड एंड ब्लॉक्स मिला, जो कि मैंने खोलते हुए आगे की तरफ बढ़ा। और जैसे ही मैं उटलीगाम पहुंचा, उसी दौरान जो ये भीड़ था ये हमारी तरफ भी मुड़ गया और हमें बुरी तरह से घेर लिया, जो कि लगभग 1200 लोग थे। और हम गाड़ी के बाहर, मतलब गाड़ी से बाहर हम निकाल नहीं पा रहे थे। तो मैं लगातार अनाउंसमेंट कर रहा था, मैं अपने मेगाफोन से उनको बता रहा था कि हम सिर्फ पोलिंग बूथ स्टाफ, सिविल स्टाफ, वहाँ के सिक्योरिटीज़ को हम बचाने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए आए हैं, तो हमें वहाँ तक जाने दीजिए। तो बाद मेरा लगातार मेगाफोन से अनाउंसमेंट करने का बाद भी भीड़ हट नहीं रहा था। तो इसी दौरान दिल में एक बार ख्याल आया कि मैं यहाँ से निकाल चलूँ, बट मैं ड्यूटी बाउंडेड आदमी हूँ, तो मुझे अपने सबॉर्डिनेट्स के बारे में भी सोचना पड़ा, क्योंकि वो मुझे काफ़ी बार कॉल कर चुके हैं और ये बता रहा था कि उनकी जान को बहुत ही खतरा हो रहा है। देखा है 30-40 मीटर पे एक बंदा खड़ा था और जो पूरा भीड़ को इंस्टिगेट कर रहा था और वो ऊपर से एंटी इंडियन स्लोगन्स भी बोल रहा था। तो हमने और मेरे पार्टी को मैंने आदेश दिया कि इसी बंदे को पकड़ लेते, जो कि एक रिंग लीडर होने का अंदाज़ा है। तो जैसे हमने उसकी तरफ बढ़ा तो उसको भी भाव आ गया कि वो शायद आर्मी मुझे पकड़ने वाला है, तो वो पीछे मुड़ के भागने का कोशिश किया। तो इसी दौरान वहाँ पे एक मोटरसाइकिल वाले के पीछे में वो बैठ गया और मोटरसाइकिल वाले के साथ भागना शुरू किया। डिस्पाइट हमें बहुत सारे पथराव का सामना करना पड़ा, जिसमें मुझे और मेरे बंदों को भी चोट लगा, बट फिर भी हमने उस बंदे को पकड़ा, तो जिसका नाम फारूक अहमद दार था, जो कि चिल का रहने वाला था। और ये इंसिडेंट उटलीगाम में हुआ था, जो कि लगभग 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है ये। तो इसको पकड़ते हुए, जैसे हमने इसको पकड़ा तो भीड़ थोड़ा सा डिस्पर्स होना शुरू किया और वहाँ पे उटलीगाम में बाइलेंस बने हुए, तो बाइलेंस के अंडर में भीड़ घुस गया। तो इसी दौरान हमने उसको पकड़ के पैदल आगे की तरफ बढ़ा, जो कि उटलीगाम पुलिंग स्टेशन की तरफ। तो वहाँ पे मुझे एक ITBP का माइंड प्रोटेक्टेड व्हीकल मिला, उनके सहारे हम आगे की तरफ बढ़े और पोलिंग स्टेशन पहुँचे। वहाँ पे मैंने लगभग 4 सिविल स्टाफ, एक पुलिस कॉन्स्टेबल JKP का और 60 ITBP को बचाया और उनको मैंने वहाँ से सुरक्षित निकाल के लाया।
और माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल तक लेके आया। मेरा माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल कीचड़ में फंस चुका था, तो ये देखते हुए हालात और भी बिगड़ चुका था। और वहाँ पे अनाउंसमेंट भी हुआ मस्जिद में कि अभी उसके बाद भीड़ और भी इकट्ठा होना शुरू हो गया। तो इसको देखते हुए मैंने अपनी टीम को बताया कि इस गाड़ी को यहाँ से तुरंत निकाला जाए, नहीं तो हालात काबू करना मुश्किल होगा। इसी दौरान मेरे कुछ बंदों ने ये भी बताया मुझे कि सर हम फायर खोलते हैं वरना आज हमें बच के निकालना मुश्किल हो सकता है। फिर भी मैंने इस चीज़ को काबू में रखा कि ताकि फायर ना खोले, फायर खोलते तो शायद कुछ हादसा ज़्यादा हो सकता था क्योंकि वहाँ पे बच्चे भी था और लड़कियाँ भी था, वुमेंस भी था। तो इसी दौरान मेरा दिमाग पे ये ख्याल आया कि इसको मैं बांध देता हूँ गाड़ी में ताकि शायद भीड़ हट सके। तो मैंने अपने ट्रूप्स को बताया कि इसको आगे में बैठा के बांध दो ताकि हम यहाँ पे निकालने का शायद रास्ता मिल सके। तो इसी दौरान जैसे हमने उसको बैठाया तो भीड़ थोड़ा डिस्पर्स होना शुरू हो गया और सडनली रुक गया पत्थर फेंकना।